स्टूडेंट्स, अब तक हमने जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर कंप्लीट कर लिया। हमने इनकी प्रॉपर्टीज भी देख ली कि आखिर इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है। देखो, जनरली क्या होता है, हमें हमारे लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वो ये तीन ही हो, चाहे वो नीट हो चाहे जेई है। हार्डली नीट में जेई में भी सेकेंड ऑर्डर तक ही मुश्किल से कभी पूछता, हालांकि जनरली पूछता नहीं है, बट फिर भी हमें पढ़ के चलना, हमें रेडी रहना है हर चीज के लिए कि क्वेश्चन कहीं से बैठ तो भी हमसे बनना चाहिए। ठीक है, तो लेट्स जो जैसे कल हमने जो क्वेश्चन किया था लास्ट, जो हमने प्रैक्टिस की थी कि a प्लस बी टेंस टू प्रोडक्ट है, a प्लस बी टेंस टू प्रोडक्ट है। ठीक है, इसके बाद जिसमें मैंने क्या किया था, t इक्वल टू जीरो पे a था और ये b था, t इक्वल टू t पे ये क्या था, a माइनस x था और b माइनस x था, ये कुछ नहीं था और यहाँ पे x बना था। ठीक है, तो और मुझे फॉर्मूला क्या मिला था इसका, k इज इक्वल टू 1 बाय t ln a ऑफ b माइनस x और b ऑफ a माइनस x। ये फॉर्मूला मिला था मुझे सेकंड ऑर्डर के लिए जब कंसंट्रेशन डिफरेंट होता है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे सपोज करो अगर अगर मैंने ऐसा दे दिया कि व्हाट हैपन व्हेन b is वेरी वेरी मच ग्रेटर, b is very very much greater, b is very very much greater than a, it means b is very very greater than a, b is very very greater than a। जब सपोज करो अगर b मेरा बहुत ज्यादा बड़ा है, b बहुत ज्यादा बड़ा है a से, तो इसका मतलब b माइनस a भी किसके बराबर होगा, b के बराबर होगा। क्या मैं मैथमेटिकली बोल सकता हूँ b माइनस a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b, क्योंकि आप सपोज करो ना, अगर मान लो a b मेरा सपोज करो 2000 ml है और a मेरा 1 ml है, तो अगर a 1 ml है तो b minus a मेरा approximately 2000 नहीं हुआ क्या, आप उसे सोच के देखिए, तो क्या मैं बोल सकता हूँ b minus a b के बराबर होगा, और obvious बात है b minus x भी किसके बराबर हो जाएगा, b के बराबर हो जाएगा। आप उसे सोचिए, सपोज करो या ऐसे समझो b मेरा 2000 ml है, 2000 ml b हो गया मेरा, a मान लो सपोज करो 10 ml है और उसमें से डिसोसिएट हो रहा है 1 ml। ठीक है, तो b माइनस a तब भी b के बराबर है, क्योंकि 2000 minus 10 तो approximately 2000 के बराबर ही हुआ। क्या b के रिस्पेक्ट, क्या अगर a घट भी गया तो b में कोई भी बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे क्या, मुझे तो नहीं लगता बहुत ज्यादा चेंजेस आएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 1% कितना घट रहा है, मतलब हाफ परसेंट, 2000 का 10 ml कितना होता है सपोज करो, कितना हो जाएगा, 1% से भी कम ही होगा, तो इतना चेंज तो हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर ही सकते हैं इतना चेंजेस तो। ठीक है, आधी बात समझ में, और b माइनस क्योंकि x भी क्या है, तो a से सबट्रैक्ट हो रहा है x भी, इसका मतलब a से भी छोटा वैल्यू होगा x का, इसका मतलब ऑलरेडी इसका मतलब क्या होगा, b माइनस x भी क्या होगा, b के बराबर होगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं k 1 by t ln ln a b माइनस x, तो क्या लिख सकता हूं, b लिख सकता हूं और इनटू बी और ए माइनस एक्स। ठीक है, तो बी और बी कैंसिल हो चुका है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, देखो ये जो बराबर आ जाएगा बी माइनस बी, अच्छा माय मिस्टेक, यहाँ पे 1 बाय बी माइनस से इनटू 1 बाय टी था, राइट। ठीक है, इनटू यहाँ पे क्या था, बी माइनस ए, तो बी माइनस ए को b ही मान सकता हूँ, b भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो 1 by t into 1 by b ln a by a minus x, a by a minus x, फॉर्मूला कुछ मेरा इस तरह का, 1 by b minus a 1 by t ln a into b minus x b minus a minus। ठीक है, तो सॉरी वो भूल गया था, बाय मिस्टेक था, ठीक है, नथिंग मोर, हालांकि बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, तो 1 by t, अब देखो ये 1 by t into b, 1 by t into b को अब मैं ऐसा कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये b मैं इधर ले जा रहा हूँ, तो kb is equal to 1 by t ln a by a minus x। अब सपोज करो, अब आपको यहां से समझ में आ रहा है कि ड्यूरिंग द रिएक्शन जब मेरा b बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, ऐसे समझो जब b बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, तो थ्रू आउट द रिएक्शन उसके कंसंट्रेशन में बहुत ज्यादा कोई चेंजेस नहीं आ रहे, क्योंकि 2000 ml है, बहुत ज्यादा होगा तो a जीरो हो जाएगा, क्या b जीरो हो सकता है, b जीरो नहीं हो सकता। मैं ये मानता हूं तो अगर x की वैल्यू हाईएस्ट इसके बराबर हो सकती है, अगर b बहुत बड़ा है, सपोज करो मैंने क्या बोला, b बहुत ज्यादा बड़ा है a से, ठीक है, तो यहाँ पे ये हो सकता है, ये पार्ट तो कभी भी जीरो हो ही नहीं पाएगा, और प्रैक्टिकली भी ऐसे समझो अगर b का वैल्यू 2000 ml है, ये 10 ml है, ठीक है, b का वैल्यू 2000 ml और ये 10 ml है, तो x हाईएस्ट वैल्यू कितना हो सकता है, a के बराबर हो सकता है,
क्योंकि ये बहुत, क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, ये लिमिटिंग रिएजेंट है तो प्रोडक्ट भी ये डिसाइड करेगा। इसका मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए, अगर ये इसमें से घट भी गया तो प्रैक्टिकली देखा जाए 1% का भी चेंज नहीं है बी के कंसंट्रेशन में। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ये बी, मेरा बी का कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट थ्रू ऑफ द रिएक्शन क्या रहा, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट ही कहलाएगा। तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट एक आपको क्या देगा, नया कांस्टेंट 1/t ln a by a minus x। क्या आपको ये फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले जैसा नहीं लग रहा आपको? क्या ये आपको फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले जैसा नहीं लग रहा है? ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे के, अब देखो दो बातें यहाँ पे, ठीक है, बात यहाँ पे क्या है कि ये जो k था, ये k था सेकंड ऑर्डर का, लेकिन ये जो k डैश है ये किसका है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है। ये रिएक्शन किसका है? ये जो k डैश, जो मेरा रेट कांस्टेंट होगा k डैश, ये फर्स्ट ऑर्डर का हो जाएगा। ऑब्वियस बात है क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई बात समझ में? तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, नाउ दिस रिएक्शन अपीयर्स टू अ, नाउ this reaction appears to a first order, now this reaction has appeared to a first order reaction and it is known as, and it is known as pseudo first order reaction। इसे हम क्या कहते हैं? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसका मतलब ये होगा जो k डैश होगा वो किसके बराबर होगा? k इनटू b के बराबर। जबकि k डैश और k का मतलब क्या है? k का मतलब है कि रेट कांस्टेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर है। इस रेट कांस्टेंट, k किसका ऑर्डर है? सेकंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट। लेकिन k डैश किसका है? रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है। किसका है? रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आई बात समझ में? स्यूडो ऑर्डर का मतलब क्या होता है? स्यूडो होने का मतलब है कि छलावा, मतलब फॉल्स। ये दिखने में सेकंड ऑर्डर जैसा है, लेकिन अगर आप मान लो, सपोज करो, स्यूडो सेकंड ऑर्डर भी हो सकता है, फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकता है, थर्ड ऑर्डर, आप किसी को भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिखने में अगर सेकंड ऑर्डर जैसा है लेकिन बिहेव वो फर्स्ट ऑर्डर जैसा कर रहा है, इसका मतलब वो सेकंड ऑर्डर, मतलब फर्स्ट ऑर्डर का स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कैसे? दो कंसंट्रेशन आपने लिया, एक कंसंट्रेशन को आपने बहुत ज्यादा कर दिया, बहुत ज्यादा कर दिया मतलब रिएक्शन के थ्रू आउट द टाइम कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब ऑटोमेटिकली क्या हो चुका है? जीरो हो चुका है। क्योंकि जीरो ऑर्डर में क्या होता था? कंसंट्रेशन टाइम के साथ कभी भी चेंज नहीं करता था, या फिर रेट कभी भी टाइम के साथ चेंज नहीं करता। दो ही तरीके से जीरो ऑर्डर को देखते थे, कंसंट्रेशन का रेट जो है कंसंट्रेशन पे कभी भी डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इसका मतलब जिस चीज को आप बहुत ज्यादा एक्सेस कर दोगे तो रेट कभी भी उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर सकता, नहीं भी कर सकता, डिपेंड ऑन द रिएक्शन। बट जनरली हम ये बोल सकते हैं कि अगर आप किसी, जनरली आप ओवरऑल ऐसा स्टेटमेंट दीजिए, ठीक है, कि अगर किसी दो रिएक्टेंट में, और दो रिएक्टेंट में एक रिएक्टेंट बहुत ज्यादा एक्सेस में कर दिए, इतना एक्सेस में कर दिए कि थ्रू आउट द टाइम उसका कंसंट्रेशन चेंज ही नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो किस तरीके जैसा बिहेव करेगा, उसका स्पेसिफिक उसका ऑर्डर किसके जैसा हो जाएगा? जीरो ऑर्डर जैसा हो जाएगा। इसका मतलब ये जीरो हो गया, मतलब ये चेंज ही नहीं किया, तो रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इसके ऊपर, जिसका कंसंट्रेशन लिमिटेड में है। आई बात समझ? तो एक तरीके का दिखने में, अगर जैसे मान लो मैंने तीन कंटेनर लिए, सपोज करो मैंने क्या लिए, तीन, ये पेन लिया, ये ब्लैक लिया और ये ब्लू लिया। ठीक है, ये तीन कंटेनर है, तीनों कंटेनर में क्या कर रहा हूँ बेटा, मान लो ये तीन सबका ऑर्डर वन है, ए बी सी, ये ए, ये बी और ये सी, सबका ऑर्डर वन वन है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको हटा दे रहा हूँ, मतलब इसको इतना एक्सेस कर दिया मैंने इन दोनों के रिस्पेक्ट में, बहुत एक्सेस, मतलब ये मैंने 10,000 ml कर दिया, ये 10 ml 10 ml है। तो एक बताओ, ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन प्रोडक्ट कितना बनेगा? 20 ml का प्रोडक्ट बन, या 10 + 10 10 का ही बनेगा, 10 10 खत्म होकर 10 ही बना रहा, मैं ऐसा मान रहा हूँ। ठीक है, क्या 10,000 ml खत्म होगा? नहीं होगा। इसका मतलब थ्रू आउट द टाइम इसका कंसंट्रेशन क्या रहा? कांस्टेंट रहा। तो जब इसका कोई रोल ही नहीं रहा तो इसको हम एज्यूम टू बी जीरो ऑर्डर मान सकते हैं। इसका जिसका एक्सेस में लिया वो जीरो ऑर्डर हो जाएगा, लेकिन रेट ऑफ द रिएक्शन इन पे तो डिपेंड करेगा ना, इन, आप ऐसा बोल सकते हैं इस पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन वो सिचुएशन देगा आपको। लेकिन सिर्फ मैं इसके ऑर्डर की बात करूंगा कि भाई इस पेन का ऑर्डर कितना है, क्योंकि इसमें 10,000 ml है, तो इसका ऑर्डर ऑटोमेटिकली क्या मान लेना आपको? कांस्टेंट मान लेना, मतलब इसका कोई भी रोल नहीं होगा
रिएक्शन में रोल किसका होगा, इन दोनों का रोल होगा। तो ऑब्वियस बात है रेट जो भी डिपेंड करेगा इनके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। मतलब ये थ्री ऑर्डर दिखने में थ्री ऑर्डर के जैसा था लेकिन बिहेव किसके जैसा कर रहा है, सेकंड ऑर्डर का, क्योंकि दो ही लिमिटेड में, जो एक्सेस में हो गया वो कभी भी वो हमेशा जीरो ऑर्डर मान लिया जाता है। आई बात समझ में, ठीक है। जैसे एक एक एग्जांपल की और बात करता हूं, जैसे एक क्वेश्चन में ऐसे दे दिया हूं कि a + b 2b tends to product, a + 2b tends to product हो गया, ठीक है। What will be the rate expression when b is excess, when b in excess, ठीक है। अब इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन में क्या दिया हुआ, रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया हुआ k a का पावर 1 b का पावर 1, ठीक है। अगेन तो मैं ऐसा बोल सकता हूं जब ये एक्सेस में हो चुका है तो k डैश a के बराबर होगा, जब ये एक्सेस में, तो रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, b के ऊपर, और k डैश किसके बराबर है, k इनटू b का होगा। आई बात समझ में, ठीक है। सपोज करो कुछ क्वेश्चन मेरा ऐसा है a + b + c tends to product, समझना थोड़ा बात को बेटा ध्यान से कि कहना क्या चाहता हूं मैं यहां पे। मेरा कहने का मतलब है c यहां पे जो है वो किसके जैसा बिहेव करेगा, रिएक्टेंट के जैसा कि क्या। ऑब्वियस बात, अगर आपने सोचा होगा सही, मतलब जो मैं सोच रहा हूं वो आपने सोच लिया, इसका मतलब आप सही जा रहे हो। ये किसके जैसा बिहेव करेगा, कैटलिस्ट के जैसा बिहेव करेगा, किसके जैसा बिहेव करेगा, कैटलिस्ट के जैसा। बात समझना ध्यान से। तो इसका अगर रेट लॉ एक्सप्रेशन में लिखो तो k a b c, इसका मतलब ये ऑर्डर तो कैसा होना चाहिए, थर्ड ऑर्डर होना चाहिए, होना चाहिए था क्या, थर्ड ऑर्डर। लेकिन c मेरा किसके जैसा है, c मेरा कैटलिस्ट का जैसा है, किसके जैसा है, कैटलिस्ट के जैसा। और आपको पता हो ड्यूरिंग द रिएक्शन कैटलिस्ट का कभी भी कंसंट्रेशन चेंज नहीं करता, मतलब ये कांस्टेंट रहा। तो एक्चुअल में ये रेट अब कैसा हो जाएगा, k डैश a इनटू b, क्योंकि ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट क्या बनेगा, एक नया कांस्टेंट k, जबकि k डैश किसके बराबर होगा, k इनटू कंसंट्रेशन ऑफ c। ये जो k है, ये k है मेरा थर्ड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट, और ये k डैश है सूडो सेकंड ऑर्डर का केस है। ये रेट कांस्टेंट k डैश किसका है, सूडो सेकंड ऑर्डर का रेट कांस्टेंट। आई बात समझ में, तो मैं ये बोल सकता हूं इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्यूडो सेकंड ऑर्डर भी बोल सकते हैं। स्यूडो ऐसा नहीं कि स्यूडो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का होता है, स्यूडो सेकंड ऑर्डर भी हो सकता है। आप चार ऑर्डर का ले लो जिसमें एक एक कांस्टेंट कर दो तो वो स्यूडो थर्ड ऑर्डर हो जाएगा। आई बात समझ, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, तो दैट डिपेंड, जिसको एक्सेस में ले लेंगे वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब जनरली क्या होता है, देखो नीट और जेईई में क्या होता है, जनरली इस पे क्वेश्चंस बहुत सारे आए हुए भी हैं इंपॉर्टेंट से, तो ठीक है। अब ये मैंने ओवरऑल आपको आइडिया दे दिया कि सूडो ऑर्डर मतलब क्या होता है। सूडो ऑर्डर मतलब होगा अगर कोई ऑर्डर मान लो दो या तीन का है, उसमें एक 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 कोई भी रिएक्टेंट या कैटलिस्ट क्या रहता है, एक्सेस में रहता है, जिस वजह से वो उसका जो दिखना चाहिए वो ऑर्डर ना हो के वजह से ऑर्डर घट जाता, मतलब या तो सेकंड रहेगा तो दिखने में सेकंड ऑर्डर रहेगा तो फर्स्ट ऑर्डर जैसा हो जाएगा, थर्ड ऑर्डर रहेगा तो सेकंड ऑर्डर हो जाएगा, फोर्थ ऑर्डर है तो थर्ड ऑर्डर जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन हमारे सिलेबस में जो है बेटा, ठीक है, हमारे सिलेबस में हालांकि सूडो फर्स्ट ऑर्डर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कभी क्वेश्चन आया तो इस तरीके से आप डील कर सकते हो। ये मेरा मोटो था आपको समझाने का सेकंड ऑर्डर से। आई बात समझ में, नीट और जेईई दोनों के लिए, नीट वालों के लिए स्पेशली सेकंड ऑर्डर का फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्राफ्स आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन सेकंड ऑर्डर का फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं सूडो ऑर्डर रिएक्शन की, सूडो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, रिएक्शन इन विच काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन इसके डेफिनेशन लिख देता हूं, रिएक्शन इन विच काइनेटिक्स, आज एक बात और, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी तीन या पांच मार्क्स में भी क्वेश्चन आता ही आता है, सूडो ऑर्डर का एग्जांपल दो और उसका एक्सप्लेनेशन दो, ये सब भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिएक्शन इन विच काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन इज, काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन इज स्टडीड, काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन इज स्टडीड बाय डिक्रीज्ड बाय
by decreased order are known as pseudo order reaction and it happens कब होगा? या तो किसी रिएक्टर का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा ले ले या रेट फ्लो एक्सप्रेशन में क्या आ जाए, कैटलिस्ट आ जाए, दो ही तरीके से हो जाता है, ठीक है। इट हैपेंड व्हेन एनी पर्टिकुलर रिएक्टेंट इज इन एक्सेस और सेकंड आप ऐसा बोल सकते हो कि रेट लो एक्सप्रेशन इन्वॉल्व्स कैटलिस्ट, ठीक है। अगर रेट लो एक्सप्रेशन कैटलिस्ट इन्वॉल्व किया तो भी क्या होता है, वो हो जाता है, ठीक है। इसके एग्जांपल की बात करो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, ठीक है। तो पहला एग्जांपल है एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ठीक है। एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर। अब आप बोलेंगे सर एसिडिक हाइड्रोलिसिस फर्स्ट स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर कैसे है, तो अभी मैं आपको समझा दे रहा हूं। जैसे CH3 C2H5 plus H2O कैटलिस्ट, मैंने एसिड लिया H+, ये आपको देगा CH3COOH plus C2H5OH plus C2H5OH, ये देगा, ठीक है। रेट लॉ एक्सप्रेशन इसका जो है कार इक्वल टू के CH3COOC2H5 और H+, ठीक है। होना तो ये कैसा चाहिए था, होना ये चाहिए था सेकेंड ऑर्डर का, क्योंकि देखो यहाँ पे अब मैंने क्या बोला, कंडीशन दो ये थी, या तो किसी रिएक्टेंट को हम एक्सेस में ले लेंगे या तो कैटलिस्ट इन्वॉल्व हो जाएगा। तो जब ये कैटलिस्ट इन्वॉल्व हो जाएगा तो इसका नेक्स्ट, तो ये ऑलमोस्ट क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। तो इसको मैं K-CH3COOC2H5 लिख सकता हूँ, R बराबर, क्या R बराबर K- इतना लिख सकता हूँ, वेयर K- मेरा किसके बराबर होगा, K- मेरा फर्स्ट ऑर्डर का होगा, K- किसके बराबर होगा, फर्स्ट ऑर्डर के बराबर होगा। आई बात समझ में, तो K- का फर्स्ट ऑर्डर का मतलब 0.693, इसका टी हाफ भी निकाल सकता हूँ इस यहाँ से, क्या मैं यहाँ से टी हाफ भी निकाल सकता हूँ, मैं निकाल सकता हूँ बिल्कुल, ठीक है। और जबकि K- किसके बराबर है, K into H+ बराबर है। आई बात समझ में यहाँ तक, ठीक है। चलिए अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल होता है इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, किसका एग्जांपल होता है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ठीक है। K-डैश हम टी हाफ निकाल सकते हैं इस रिएक्शन का, और अगर मान लो H+ का कंसंट्रेशन दिया हुआ और हाफ, देखो जनरली क्या इस टाइप के क्वेश्चन में आएगा, क्या आपसे H+ का कंसंट्रेशन पूछ सकता है, हो सकता है आपको रेट कांस्टेंट इसका दे देगा, रेट कांस्टेंट इसका दे देगा और हाफ लाइफ दे देगा, या रेट ये नहीं देके हाफ लाइफ देगा और रेट कांस्टेंट देगा, तो भी हम निकाल सकते हैं। हाफ लाइफ से K-डैश निकालेंगे, K-डैश को इससे इक्वेट करके H+ का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और इन्वर्जन ऑफ केन शुगर में क्या होता है, देखो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर में कुछ नहीं होता, C12H22O11+H2O tends to give H+ concentration, ठीक है। C6H12O6+C6H12O6, ठीक है। इसका रेट कांस्टेंट भी क्या होता है, रेट कौन, इसमें भी अगेन क्या होता है, H प्लस आता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ C12H22O11 और H+, ठीक है, ये इस तरीके से होता है। तो अगेन मैं क्या इसको लिख सकता हूँ, R = K-H+, सेम ये पैटर्न दोनों का क्या है, सेम है। अगेन K-डैश मेरा फर्स्ट ऑर्डर का हो जाएगा, वहां से हाफ लाइफ भी निकाल सकता हूँ इस रिएक्शन का, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्वेश्चन कराता हूँ आपको फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। दोनों का पैटर्न सेम है तो एक ही क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारा दोनों का कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, कवर हो जाए, ठीक है। All right.
नाउ क्वेश्चन है इन्वर्जन ऑफ केन सुगर, इन्वर्जन ऑफ केन सुगर, इन्वर्जन ऑफ केन सुगर प्रोसीड विथ हाई फ्लाई, प्रोसीड विथ हाफ लाइफ, प्रोसीड विथ हाफ लाइफ ऑफ 50 मिनट, ऑफ 50 मिनट, प्रोसीड विथ हाफ लाइफ ऑफ 50 मिनट, ठीक है, एट पीएच इक्वल टू 5, एट पीएच इक्वल टू 5 फॉर एनी कंसंट्रेशन ऑफ सुगर, फॉर एनी कंसंट्रेशन ऑफ सुगर, सुगर का कंसंट्रेशन कुछ भी ले लो, ठीक है, चलो। However, if pH is 6, however, if pH is 6, half-life changes to, half-life changes to 600 minute, sorry, 500 minute, 500 minute, ठीक है? For any concentration of sugar, for any concentration of sugar, देखो, question क्या है? Inversion of cane sugar है। जब pH 5 था, तो half life का concentration जो है, मतलब H plus का concentration जब 10 is to minus 5 था, ऐसे समझो। जब H plus का concentration, क्या pH को मैं लिख सकता हूँ? H plus 10 is to minus 5। जब ये था, तो half life मेरा कितना था? 5, कितना था? 15 मिनट था। ठीक है, और जब 10 रेस टू माइनस 6 हुआ तो हाफ लाइफ मेरा कितना हो चुका है? 500 मिनट हो चुका है। अब बोल रहा है फॉर एनी कंसंट्रेशन ऑफ सुगर, चाहे हाफ लाइफ 5 मिनट हो या 500 मिनट हो, इसका मतलब सुगर का कंसंट्रेशन क्या होगा? सुगर का कंसंट्रेशन हाफ लाइफ पे डिपेंड नहीं करता, और ये किस ऑर्डर में होता है? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में होता है। उसने इनडायरेक्टली फॉर्म में इसको दिया हुआ है। आई बात समझ में, किस फॉर्म में दिया हुआ है? इनडायरेक्टली फॉर्म में इसको दिया हुआ है। और अभी यहां से मुझे पता है क्या? के डैश के को मैं लिख सकता हूं के डैश एच प्लस इनटू बी, क्या लिख सकता हूं? के डैश एच प्लस इनटू बी, क्योंकि मुझे इसका तो ऑर्डर नहीं पता ना कि इसका ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो मैं ऐसा मान लो इसका ऑर्डर मुझे पता नहीं है। ठीक है, और के डैश को मैं क्या लिख सकता हूं? 0.693 बाय t हाफ, क्या लिख सकता हूं? 0.693 बाय t हाफ। आई बात समझ में? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, तो कुछ नहीं करना है मुझे, मुझे ये करना है कि ऐसा कर देता हूं, चलो ठीक है। देखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है, कोई बहुत ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। क्या मैं के को ऐसा लिख सकता हूं? क्योंकि ये किसका है? मेरा, ये भी इसका हो जाएगा मेरा, सॉरी के डैश बराबर हो जाएगा के, सॉरी माय मिस्टेक, के डैश बराबर होगा के इनटू, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर का या सेकंड ऑर्डर का है, और के डैश बराबर 0.693 बाय टी हाफ होता है, दोनों इक्वेशन दो वेरिएबल, तो क्या 0.693 by 500 is equal to क्या लिख सकता हूँ मैं? ये k dash के बराबर है, और ये k dash किसके बराबर है? k into h plus, h plus का concentration कितना था मेरा भैया? 10 raised to minus 6 का power b divided by 0.693 by 50 is equal to किसके बराबर होगा? Divided by k h plus 10 raised to minus 5 by a, ठीक है, sorry b, ये भी b, क्योंकि इसका order उसने नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसका ऑर्डर नहीं, हो सकता है 2 हो 3 हो, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मुझे बस मतलब ये था कि उसे इनडायरेक्टली फॉर्म में दिया था कि भैया इन्वर्जन ऑफ केन सुगर है, मतलब ये तो होगा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, बट ये पावर कितना ये मुझे नहीं पता, ये एक्सेस में है, ये आई एक्सेप्ट, ये एक्सेस में है। देखो, बच्चा कंफ्यूजन है, सर अभी तो आप बोल रहे फर्स्ट ऑर्डर है, तो यहां पे आप जीरो क्यों नहीं लिख सकते? ये कंफ्यूजन मत करना, क्यों भैया? इसका थ्रू आउट कंसंट्रेशन चेंज नहीं कर रहा है, थ्रू आउट कंसंट्रेशन चेंज नहीं कर रहा, मतलब ऑब्वियसली बात है कि ये कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, इसका ये मतलब नहीं कि रेट इस पे डिपेंड नहीं कर सकता। ओरिजिनल में रेट तो देखो क्या हो, के सुगर
का कंसंट्रेशन इनटू एच प्लस, ये ए और ये बी, इसका उसने ऑलरेडी ऑर्डर कितना दे दिया, वन, क्योंकि हाफ लाइफ कभी कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करे सुगर के, तो ये तो ए की वैल्यू तो वन आ गई, बट रेट तो ओवरऑल तो डिपेंड करेगा ना एच प्लस के पावर पे कि कितना होगा, वही कैसे निकालूंगा वो मैं इस फॉर्मेट में निकालूंगा। हाँ, कॉन्स्ट एक्सेस में है, इसका ये मतलब है कि ये कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट है मतलब आप ऐसा जीरो ऑर्डर नहीं बोल सकते, सॉरी हाँ जीरो ऑर्डर नहीं बोल सकता उसको, ये बोल सकते ये कांस्टेंट हो जाएगा, सॉरी माय मिस्टेक, मैंने उस समय बोल दिया था आपको जीरो ऑर्डर, अगर ये एक्सेस में इसका ये मतलब है कि ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट है, कांस्टेंट देगा, बट कुछ तो पावर इसका होगा ना, इसका मतलब रेट कहीं ना कहीं इसके ऊपर डिपेंड करेगा ही करेगा, ठीक है। आप ये बोल सकते हैं रिएक्टिव मतलब थ्रू आउट द रिएक्शन जो होगा इसके कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं हो रहा है, मतलब इसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा थ्रू आउट रिएक्शन, आप ऐसा बोल सकते हो। आई बात समझ में, स्यूडो का मतलब ये हुआ कि दिखने में भाई जैसा हो लेकिन एक ऑर्डर क्या हो जाएगा उसका कम हो जाएगा, आई बात समझ में, इसका मतलब ये इसका ऑर्डर आप कंसिडर नहीं करते, लेकिन ऑर्डर इसका कुछ तो होगा ना, भले ये टू होगा थ्री होगा उससे कोई मतलब, बट इसका ऑर्डर कंसिडर नहीं होता, इसका मतलब वो ऑर्डर कंसिडर होगा ही नहीं, क्योंकि ये कैटलिस्ट, अभी मैंने आपको बोला सूडो ऑर्डर का मतलब होता कि भैया ऐसा चीज या तो कैटलिस्ट उसके अंदर आ जाए या तो एक्सेस रिएक्टेंट आ जाए, बट उनका अपना एक ऑर्डर होगा, वो ऑर्डर रेट नॉर्म में वो ऑर्डर हम कभी भी कंसिडर नहीं कर पाते क्योंकि वो डिपेंड नहीं करता, आई बात समझ में, मतलब उसपे क्या होगा रेट जो होगा डायरेक्टली इसके ऊपर डिपेंड करेगा ना कि इसके ऊपर डिपेंड करे, इसके ऊपर डिपेंड करेगा, आप ऐसा बोल सकते हैं ओवरऑल ऑर्डर होगा इसका, कुछ ना कुछ ओवरऑल ऑर्डर होगा, लेकिन क्योंकि इसका कंसंट्रेशन ही जब चेंज नहीं कर रहा रेट के साथ तो ये ओवरऑल कॉन्स्टेंट माना जाता है, लेकिन खुद तो ऑर्डर तो होगा ना कुछ इसका, बी का वन हो सकता है, टू, थ्री, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ही कांस्टेंट रहेगा, जब कांस्टेंट रहेगा तो रेट इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन अगर इनका टोटल वैल्यू निकालोगे तो कुछ तो वैल्यू निकलेगा ना, रेट कुछ तो वैल्यू आएगा इसका, इसका मतलब चेंज नहीं कर रहा, आई एक्सेप्ट कि चेंज नहीं करेगा कि मानो टी इक्वल टू जीरो पे ये वन था, ये टू था, टू का पावर वन था, t equal to 2 पे ये 2 था, ये 3 था, ये 2 तब भी 2 ही था, क्योंकि मैंने क्या बोला h plus change नहीं करा, h plus change नहीं करा मतलब throughout ही constant रहेगा, लेकिन ये रेट निकालने में helpful तो है ना, तो ये कहने का मतलब है, इसलिए मैं h plus इसका power क्या निकाल रहा हूँ, b निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो जब आप इसको solve करोगे तो 0.69 तो 0.693 divided by 500 into 50 by 0.693 के क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है, 10 का पावर -6 बाय 10 का पावर -5 का पावर भी, दिस और दिस कैंसिल, दिस और दिस कैंसिल, 50 और 10 तो 1 बाय 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाय 10 का पावर बी, तो बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, वन हो जाएगा, वो फर्स्ट ऑर्डर ही है, ठीक है। हाँ, हालांकि आप समझ में आए कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कि इसका अपना एक ऑर्डर होगा, इस बी की अपनी वैल्यू हमेशा होगी, भले उसके ऊपर वो डिपेंड करे या नहीं करे वो उसकी चॉइस है, अगर आप बहुत ज्यादा एक्सेस में ले लिए, क्योंकि ये कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट का कंसंट्रेशन थ्रू आउट द रेट रिएक्शन कभी चेंज नहीं करता है, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं इसका ये ऑर्डर हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब ये रेट ऑफ द रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन कुछ हमेशा इसका खुद का अपना कुछ ऑर्डर होगा, आप जीरो नहीं बोल सकते, सॉरी वो बाय मिस्टेक मैंने जीरो ऑर्डर बोल दिया था, ठीक है। तो आई होप से यहाँ तक आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो जब भी याद रखना किसी चीज को हम एक्सेस में ले लेते हैं या अगर कोई किसी रेट एक्सप्रेशन में कैटलिस्ट आ जाता है, इसका मतलब उसका एक ऑर्डर क्या हो जाता है, घट जाता है, अगर 3 है तो 2 हो जाएगा, मतलब अगर दिखने में 3 के जैसा है, दिखने में वो रिएक्शन थर्ड ऑर्डर के जैसा रहेगा, बट वो बिहेव सेकेंड ऑर्डर के जैसे करता है, ठीक है। आई बात समझ में आता, चलो ठीक है, अगर आपको यहाँ तक बात समझ में आ चुकी है तो इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली नेक्स्ट टॉपिक है nth ऑर्डर का करते हैं, ठीक है। अब ये मत सोचना कि नीट वालों नीट में नहीं है, नीट में है, क्योंकि अवस्थी में बहुत से क्वेश्चन आपको nth ऑर्डर पे भी मिलेंगे, तो आपको करने हैं nth ऑर्डर के भी, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा nth ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। nth ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, सपोज करो a टेंड्स टू प्रोडक्ट है, a tends to product है, इसका मतलब क्या होगा, rate का expression क्या होगा, k a का power n होगा, इसका मतलब minus da by dt जो होगा, k a का power n होगा, इसका मतलब minus da divided by क्या हो जाएगा, a का power n is equal to k dt, integrate कर दिया मैंने इसको, इसको लेकर कर दिया मैंने a naught से a t तक कर दिया, इसको 0 से लेकर t तक कर दिया, ठीक है। तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कितना आता है, जल्दी बोलो,
यस ए माइनस एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन माइनस वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के टी हो जाएगा और कहां से ए नॉट से लेकर ए टी तक ठीक है ए नॉट से लेकर सर कैपिटल ए नॉट से लेकर ए टी तक आई बात समझ में तो जब आप ये वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या आ जाता वन बाय एन माइनस वन वन बाय ए टी का पावर एन माइनस वन बाय ए टी ए नॉट एन माइनस वन इज इक्वल टू के टी ठीक है बस ये याद रखना n does not equal to 1 बस ये n equal to 1 के लिए वैलिड नहीं होता है ठीक है बाकी हर ऑर्डर के लिए वैलिड अगर n equal to 0 रखो तो माइनस वन तो ए टी माइनस ए नॉट इक्वल टू क्या हो जाता है के टी वैलिड है टू माइनस वन टू माइनस अगर n equal to 2 तो 1 by ए टी माइनस 1 by ए नॉट इक्वल टू के टी तब भी ये वैलिड बस n equal to 1 पे वैलिड नहीं होता बाकी सब पे ये वैलिड होता है ठीक है अब इसमें एक कुछ क्वेश्चन दे दूं कि कैलकुलेट टी हाफ कैलकुलेट टी हाफ ऑफ nth ऑर्डर रिएक्शन ठीक है मान लो nth ऑर्डर के लिए आपको टी हाफ निकालने बोल दिया तो कुछ नहीं आपको पता है एट टी हाफ पे क्या हो जाता है at बराबर क्या होता है a नॉट बाय 2 हो जा रहा है तो 1 बाय क्या मैं लिख सकता हूं n माइनस 1 1 बाय a नॉट बाय 2 का पावर n माइनस 1 1 बाय n माइनस 1 माइनस ए नॉट एन माइनस वन इज इक्वल टू के टी हाफ ठीक है जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो टी हाफ का एग्जैक्ट वैल्यू कितना आता है टी हाफ का एग्जैक्ट वैल्यू आता है 1 बाय के 1 बाय एन माइनस वन टू का पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय ए नॉट का पावर एन माइनस वन ठीक है अब देखो अब आपको चेक करना हो फर्स्ट ऑर्डर के लिए मेरा फॉर्मूला क्या बनता था ये सब के लिए वैलिड है टी हाफ ठीक है फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला क्या होता था टी हाफ बराबर 0.693 बाय के मतलब n इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूं तो n इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा 2 1 माइनस 1 0 0 0 2 का पावर 0 1 1 माइनस 1 0 ये तो ये गलत हो जाएगा सॉरी मेरे हिसाब से ये n प्लस 1 होगा मेरे हिसाब से ओके अगर मैं एक बार चेक करना एक बार ठीक है इसको सॉल्व करना ठीक है इसको देखना कि यहां पे 2 का पावर n माइनस 1 प्लस 1 आ रहा है 2 का पावर n माइनस 1 माइनस 1 आ रहा है तो थोड़ा शायद मेरा हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ होगा n माइनस 1 a नॉट a रेस टू माइनस 1 चलो ये वैल्यू को छोड़ देते हैं अगर t हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a नॉट n रेस टू माइनस 1 ये तो आ रहा है मेरा n माइनस 1 0 नहीं हो सकता इसलिए यहां पे भी सॉरी जब यहां पे n इक्वल टू 1 का वैलिड नहीं हो रहा तो यहां पे भी n इक्वल टू 1 का वैलिड नहीं हो सकता बट एक चीज हम कॉमनली निकाल सकते हैं पूछो क्या t हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a नॉट का पावर n माइनस 1 ये मैंने आपको कहां बताया था पहले भी बताया था nth ऑर्डर में याद करिए जब सेकंड ऑर्डर का हमने हाफ लाइफ निकाला था तो मैंने आपको वहां क्या बोला था कि हाफ लाइफ जो होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ n माइनस 1 था अब यहां पे देख सकते हो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 a नॉट का पावर 0 मतलब ये ऑब्वियस है हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर का इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है ठीक है तो यहां तक तो हमें समझ में आ गया ऑर्डर कि हमें ऑर्डर दिया होता तो हम हाफ लाइफ वगैरह निकाल लेते थे ठीक है लेकिन अगर ऑर्डर ना दिया हो आपको डायरेक्ट मैंने कुछ चीज दे दिया हो आपको तब बताना ऑर्डर तब कैसे तो याद है आपको मैंने फर्स्ट सेकंड या थर्ड क्लास में शायद मैंने आपको बताया था कि अभी तो मैं आपको ऑर्डर पे डायरेक्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं लेकिन जब ऑर्डर निकाल लो तो तब क्या करोगे ठीक है तो कुछ एक्सपेरिमेंटल मेथड्स होते हैं वो कॉमन है दोनों के लिए जेईई और नीट दोनों के लिए ये चीज कॉमन होता है एनसीईआरटी में आपने बहुत सारे टेबुलर क्वेश्चन देखे होंगे ठीक है तो ऑब्वियस बात है जब एनसीईआरटी में दिया हुआ मतलब वो मेंस और नीट दोनों के लिए कॉमन होता है तो जो टेबुलर फॉर्म वाले क्वेश्चन होते हैं वो कौन से मेथड होते हैं वो सारे सारे एक्सपेरिमेंटल मेथड होते हैं जो अभी हम करने वाले हैं ठीक है तो चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड पे
है। इसके बाद एक्सपेरिमेंटल मेथड, टॉपिक का नाम है एक्सपेरिमेंटल मेथड ऑफ डिटरमिनेशन
1.8 into 10 is to minus 4, ठीक है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है, कैलकुलेट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, कैलकुलेट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए एंड बी, ठीक है? सेकंड है, राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन, राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन। थर्ड, कैलकुलेट वैल्यू एंड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, कैलकुलेट वैल्यू एंड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। फोर्थ है मेरा, व्हाट विल इफेक्ट ऑन, व्हाट विल इफेक्ट on, what will effect on rate if, what will effect on rate if volume of container is double, if volume of container is double, volume of container is double। ये चार क्वेश्चन मैंने आपको दिए हुए हैं, ठीक है? आपको करने हैं इस क्वेश्चंस को, ठीक है? पहले तो आप वीडियो पॉज करिए, उसके बाद सोचिए आप कैसे कर सकते हो, ठीक है? तो चल एक मेरे साथ, डोंट वरी, आप पहले देख लो इस मेथड को, ठीक है? तो जनरली कभी भी ऐसा टेबुलर फॉर्म रहेगा ना बेटा, तीन चार हो सकता है, पांच छह भी दे दे, तो याद रखना हर दो एक्सपेरिमेंट में दो चीज कॉमन दिखे, दो चीज आपको हमेशा क्या रहेगा, एक चीज हमेशा कॉन्स्टेंट रखता है, एक चीज हमेशा क्या रखेगा, वो कॉन्स्टेंट रहेगा। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, रेट लॉ एक्सप्रेशन में मान लेता हूँ रेट के ए का पावर अल्फा और बी का पावर बीटा, ठीक है? ये मेरा मान लो रेट लॉ एक्सप्रेशन है, तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू मेरा अल्फा ए का अल्फा हुआ और विद रिस्पेक्ट टू बी मेरा क्या हुआ, बीटा हुआ। आई बात समझ में? ठीक है, अब मेरा इक्वेशन क्या क्या बनेगा, इक्वेशन बनेगा इनिशियली पहले एक्सपेरिमेंट के लिए 5 × 10⁻⁶ = k, इनिशियली कंसंट्रेशन उसने क्या लिया 2 × 10⁻², पावर अल्फा और मेरा क्या होगा 3 × 10⁻³ बीटा, ठीक है? ये पहला इक्वेशन बनेगा। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, 10⁻⁵ = k, ये क्या है 4 × 10⁻², और 3 × 10⁻³ ये बीटा हो जाएगा और ये अल्फा हो जाएगा। उसके बाद है मेरा 1.8 × 10⁻⁴, into k, 8 × 10⁻², का पावर अल्फा और 9 × 10⁻³ का पावर बीटा। ये सेकंड इक्वेशन और ये तीन इक्वेशन, ठीक है? आपको किन्हीं दो इक्वेशन को ऐसा डिवाइड करना ताकि आपके मैक्सिमम चीजें क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, ठीक है? तो मैं हमेशा हमेशा पहले उन दो दो इक्वेशन को डिवाइड करो जिनमें दो चीज कॉमन दिख रही थी। इसमें देखो के कॉमन है, ये और ये कॉमन है, ठीक है? तो अगर मैं मान लो 2 को डिवाइड कर रहा हूं 1 से, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं 100%, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं 2 को डिवाइड करूंगा 1 से तो 10⁻⁵ और 5 × 10⁻⁶ ये इधर आ जाएगा। अब ऊपर में क्या रहेगा, k 4 × 10⁻², का पावर अल्फा और 3 × 10⁻³ का पावर बीटा। उसके बाद k 2 × 10⁻², का पावर अल्फा और 3 × 10⁻³ का पावर बीटा। ये और ये क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है, k और k क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है, 10⁻⁶ और 10⁻⁵ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर 10 चला जाएगा, 10/5 = कितना, 10⁻², 10⁻², कैंसिल और 2 का पावर यहां पे क्या बचेगा, अल्फा बचेगा और ये 2 टाइम्स, तो अल्फा 2 बराबर 2 का पावर अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 1 हो चुकी है, ठीक है? नाउ ऐसे अगर मैं सपोज करो ऐसा करूं कि मैं अब डिवाइड कर रहा हूं 3 को 2 से, ठीक है? किसको डिवाइड कर रहा हूं, 3 को 1 से डिवाइड करें तो ज्यादा चीजें कैंसिल होगी, राइट? ठीक है,
थ्री को वन से डिवाइड करिए, आपके मर्जी आप थ्री को टू से भी डिवाइड कर सकते हो, वन से डिवाइड कर सकते हो, थोड़ा कैलकुलेशन पड़ेगा। तो 1.8 इनटू 10 रेस टू माइनस 4 डिवाइडेड बाय 5 इनटू 10 रेस टू माइनस 6 के ऊपर में क्या आ जाएगा मेरा 8 इनटू 10 रेस टू माइनस, क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं? देखो 10 रेस टू माइनस 2 10 रेस टू माइनस 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 10 रेस टू माइनस 2 10 रेस टू माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में 8 बाय 4 का पावर अल्फा हो जाएगा, के बाय के कैंसिल हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 9 बाय 3 का पावर बीटा, बीटा की बीटा अल्फा की वैल्यू कितनी आई है 1 आई है, ठीक है, अल्फा की वैल्यू कितनी आई है 1 है और बीटा मुझे निकालना है, ठीक है। तो 1.8 इसको 10 रेस टू माइनस 5 18 इन 10 रेस टू माइनस 5 तो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 180 बाय 5 और यहां पे कितना बचेगा 2 इनटू 3 का पावर बीटा, तो ये हो जाएगा 90 बाय 5 t का पावर बीटा, तो ये कितने टाइम जाएगा 18 t का पावर 3 3 2 6 3 3 9 हाँ ये 9 होगा, ओके 90 18 3 का पावर बीटा, 3 का पावर बीटा, ठीक है। सॉरी यहाँ पे गलती हो गई ना, देखो यहाँ पे 2 था और 3 का 1 है, तो यहाँ पे 2 होगा, देखो यहाँ से देखो अगेन मैंने मिस्टेक की, तो यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ पे 4 होगा, 4 होगा तो यहाँ पे 180 बाय 5 सॉरी माय मिस्टेक 180 बाय 5 ठीक है। अब सही आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 चौक 16 4 5 20 बाय 5 इक्वल टू 3 का पावर बीटा, ये कितना हो जाएगा 9 टाइम्स, तो 9 इक्वल टू 3 का पावर बीटा, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा 2, तो अल्फा की वैल्यू आ गई है 1 और बीटा की वैल्यू आ गई है 2 आ गई, ठीक है। तो वैल्यू एंड सेकंड क्वेश्चन क्या बोला, कैलकुलेट वैल्यू एंड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, कैलकुलेट वैल्यू एंड यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, तो किसी में भी आप पुट कर लीजिए तो k की वैल्यू आपको आ जाएगी, ठीक है, अल्फा बीटा का वैल्यू पता ही है, ठीक है। फोर्थ वाला जो है मेरा चेंज इन रेट, तो याद है आपको चेंज इन रेट को मैं क्या लिखता था, चेंज इन रेट और वॉल्यूम का रिलेशन क्या आता है, चेंज इन वॉल्यूम का पावर है, ठीक है। क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन रेट इफ द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल, इफ द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल, इफ द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज डबल, और n मेरा कितना, अभी टोटल n है मेरा 1 प्लस 2 3 3 है, तो डबल कर दिया मतलब डबल मतलब 2 का पावर 3, तो रेट कितना बचेगा 1/8 टाइम्स रेट हो जाएगा, रेट कितने टाइम्स हो जाएगा 1/8 टाइम। तो देखो ये छोटे-छोटे क्वेश्चन है, चेंज इन रेट बराबर 1/ चेंज इन वॉल्यूम का पावर ऑर्डर, इससे मुझे याद है इस सारे क्वेश्चन मैंने बहुत किया, इससे ऐसे हम क्या पता चलता था, इससे हमें ऑर्डर पता चलता था, ऑर्डर मुझे पता है तो रेट उसमें पूछा तो 1/2 का पावर क्यूब मतलब वन रेट क्या हो जाएगा 8 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे क्वेश्चन थे, एक मिनट थोड़ा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं इनके अंदर, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट मेथड आएगा इनिशियल मेथड रेट मेथड आपको समझ में आ चुका होगा मेरे हिसाब से, तो ठीक है। अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट की, ठीक है, नेक्स्ट जो आता है मेरा वो है ग्राफिकल मेथड, ठीक है। सेकंड है मेरा ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ग्राफिकल मेथड क्या होता है, जनरली दो तरीके से होता है, या तो आपको ग्राफ दिया जाएगा तो आपको ऑर्डर बताना है, या तो आपको ग्राफ को वर्डिंग के फॉर्म में दे देगा तो आप ऑर्डर बताना, ठीक है। तो मेरे कहते हैं दिस मेथड एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन, इन दिस मेथड experimentally determined, in this method experimentally determined
ग्राफ ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन, ग्राफ ऑफ पर्टिकुलर रिएक्शन, पर्टिकुलर रिएक्शन विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम, विल बी गिवन इन द प्रॉब्लम, गिवन इन द प्रॉब्लम फ्रॉम विच ऑर्डर इज डिटरमाइंड, फ्रॉम विच ऑर्डर इज डिटरमाइंड, फ्रॉम विच ऑर्डर इज डिटरमाइंड। जैसे सपोज करो मैंने ऐसे क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, या तो माइनस डी ए बाई डी टी, माइनस डी ए बाई डी टी वर्सेस टाइम, ठीक है, ये मैंने ऐसे क्वेश्चन दिया है, ठीक है, क्वेश्चन मैंने इस फॉर्मेट में दिया है, ठीक है, माइनस डी ए बाई डी टी वर्सेस ए नॉट क्यू वर्सेस ए नॉट क्यू, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, क्वेश्चन मैंने ऐसे भी दे दिया आपको, सपोज करो इस तरीके से है, कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ है ये, और चौथा क्वेश्चन मैंने दे दिया सपोज करो ऐसा, माइनस डी ए बाई डी टी, माइनस डी ए बाई डी टी वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, या तो क्वेश्चन आपको इस फॉर्मेट में देगा या तो एमसीक्यू में ऐसा बोल देगा कि भैया सपोज करो जो रेट और रेट ऑफ द रिएक्शन है वो टाइम के साथ चेंज ही नहीं कर रहा है, मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन टाइम के साथ चेंज नहीं कर रहा है, मतलब टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसका मतलब वो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, या तो ऐसा बोलेगा, या तो ऐसा बोलेगा भैया कि कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम कभी चेंज ही नहीं कर रहा, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का मतलब ग्राफिक आपको वर्डिंग के फॉर्म में दिया सकता है, ग्राफिकल फॉर्म में दिया सकता है, तो वर्डिंग मेरे अकॉर्डिंग तो हमेशा ये होगा कि जब भी आपको वर्डिंग के फॉर्म में दे तो हमेशा ग्राफ प्लॉट कर लो और आप चेक कर सकते हो, तो ऑब्वियस बात है कौन सा जब रेट मतलब आर ये क्या इसको आर के बराबर नहीं कर सकता, तो आर टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब ये क्या हो जाएगा जीरो ऑर्डर हो जाएगा, ए नॉट बराबर के आर बराबर के ए नॉट क्यू, मतलब ये कौन सा हो जाएगा थर्ड ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है, इसमें क्या है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, तो एक ही ग्राफ है, एटी बराबर क्या हो जाएगा, एटी बराबर ए नॉट माइनस के टी, तो ये कौन सा हो जाएगा अगेन जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, अगेन माइनस रेट ऑफ द रिएक्शन इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, तो अगेन ये क्या हो जाएगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, ये बस समझ में, इस तरीके से क्वेश्चन बना के फॉर्मेट में ग्राफिकली हम लोग डिटरमिनेशन कर सकते हैं, ठीक है, आई बस समझ में। नेक्स्ट थर्ड हाफ का इंटीग्रेटेड रेट फ्लो मेथड, थर्ड है इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, ये भी देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, जेई मेंस और नीट में दोनों में ये तीनों टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, चारों टाइप, मतलब वो ग्राफिकल मेथड से भी आपको ऑर्डर पूछ सकता है, नीट में भी, ऐसा कोई जरूरी नहीं नीट में नहीं पूछेगा, नीट में भी ग्राफिकल क्वेश्चन बहुत आते हैं इसमें से, केमिकल काइनेटिक्स से, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको लिख देता हूं मैं, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड, एंड इन दिस मेथड, एंड इन दिस मेथड, एंड इन दिस मेथड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ reactant at different concentration of reactant at different time interval is given, concentration of reactant at different time interval is given, different time interval is given in tabular form, in tabular form, in tabular form from which order is determined, from which order is determined, देखो ये NCERT ये चारों जो format के जो मैं बता रहा हूँ चारों experimental method, इसमें NCERT JEE mains और NEET में भर भर के question दिए होंगे, तो please go through it and attempt it, order is determined, ठीक है, कुछ नहीं होता, ठीक है, होता क्या है, यहाँ पे time दिया रहेगा और यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन दिया रहेगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो सपोज करो टाइम जीरो पे जब कुछ नहीं था तो सी नॉट था मेरा,
वन मिनट के बाद सी वन हुआ, टू के बाद सी टू हुआ, थ्री के बाद सी थ्री हुआ, फोर के बाद सी फोर हुआ। हमेशा हमेशा मैंने आपको बोला कभी भी ऐसा क्वेश्चन है, हमेशा पहले फर्स्ट ऑर्डर पे अप्लाई करिए। फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला क्या था, के बराबर वन बाई टी एलन सी नोट बाय सी टी। तो टाइम मेरा कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो यहाँ पे के वन हो जाएगा। के टू कितना हो जाएगा, वन बाय टू। सपोज करो वन से टू में गया मैं, तो अगेन मेरा टाइम मेरा वन हुआ एलन सी नोट बाय सी वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, सी वन बाय सी टू। अगर के वन बराबर के टू हो चुका है, इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर होगा, और अगर नहीं है तो अगेन गो टू जीरो ऑर्डर, फिर जीरो ऑर्डर में जाइए, फर्स्ट से जीरो ऑर्डर में जाइए। तो ए टी बराबर क्या होता था, ए टी बराबर ए नॉट माइ प्लस के टी था, ए टी बराबर ए नॉट माइनस के टी था, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे सी टी सी नॉट माइनस के वन टी हो जाएगा। टी टी मेरा कितना हो जाएगा, वन वन मिनट मान लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से के वन बराबर कितना हो जाएगा, के वन बराबर सी नॉट माइनस सी टी। तो वैसे ही क्या हो जाएगा, के वन, के टू बराबर कितना हो जाएगा, के टू बराबर मेरा क्या हो जाएगा, सी वन माइनस सी टू। अगर अगेन के वन बराबर के टू आ रहा है, इसका मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा, और अगर अगर नहीं है तो फर्स्ट ऑर्डर। फिर से मैं समझा रहा हूँ, डोंट वरी। ठीक है, आपका ऐसा दिया हुआ, ठीक है, तो डिफरेंट टाइम इंटरवल पे डिफरेंट कंसंट्रेशन आपको दिया हुआ है, तो आपको ये फॉर्मूला पता है, k इक्वल टू 1 बाय t ln a नॉट बाय a t। तो आप ये फॉर्मूला पुट करिए, तो पहले एक टाइम के लिए पहले एक टाइम इंटरवल के लीजिए, तो k1, तो सपोज कर यहां से यहां के लिए मैंने k1 माना, तो 1 बाय 1 1 बाय 1 ln c नॉट बाय c t। c t मेरा क्या, c1 है, टाइम 1 मिनट है। k2 मानो, अगेन 1 से 2 मानो, तो k2 बराबर 1 बाय 1 ln c1 बाय c2। अगर दोनों केस में k1 इक्वल टू k2 बराबर आ रहा है, इट मींस फर्स्ट ऑर्डर पे एप्लीकेबल है ये, नहीं है तो इसमें फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, तो हमेशा फिर जीरो ऑर्डर। तो पहले हमेशा ट्राई करते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए, क्योंकि मैंने आपको पहले बोल दिया जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके फर्स्ट ऑर्डर के ऊपर रहेंगे। आई बात समझ में, ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट मेथड है हाफ लाइफ मेथड। कौन सा मेथड है हमारा, हाफ लाइफ मेथड। ठीक है, हाफ लाइफ मेथड, फोर्थ वन इज अवर हाफ लाइफ मेथड। ठीक है, हाफ लाइफ मेथड में क्या भैया, देख लो, इन दिस मेथड at least two different initial concentration of reactant, initial concentration of reactant half life time will be given, half life time will be given for any particular reaction by which order is determined। ठीक है, कुछ नहीं होता, इसका मतलब ये होगा कि एक्सपेरिमेंट वन में सपोज करो ए नॉट आपको दिया हुआ है और उसका टी हाफ आपको दिया हुआ है टी वन। एक्सपेरिमेंट टू आपने किया, बोलेगा कोई ये आपके ए नॉट को मान लो सपोज करो यहाँ पे ए वन कंसंट्रेशन है, यहाँ पे जो इनिशियल कंसंट्रेशन लिया ए टू लिया। ठीक है, मान लो मैं आ रहा हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, मैं इनिशियल 10 मोलर ले रहा, आप आ रहे हो, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आप ले रहे हो 5 मोलर। तो यहाँ पे जब मैंने 10 मोलर लिया तो टाइम मुझे 10 मिनट मिला, और टी हाफ यहाँ पे जब मैंने लिया तो टी टू मिला। अब ऐसे भी हो सकता है कि मैं 10 मोलर लू, 5 मोलर लू, कुछ भी लू, दोनों में हाफ लाइफ 10-10 मिनट आ रहा है, इसका मतलब ऑर्डर कौन सा होगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा। नहीं होगा तो फिर आपको निकालना पड़ेगा। तो इसमें सिंपल सा मेथड होता है, आपको मैंने बताया टी हाफ बराबर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ए नॉट एन का पावर माइनस 1। ठीक है, तो जब टी वन होगा, टी वन भी क्या होगा, 1 बाय ए वन का पावर एन माइनस 1 होगा, और टी टू भी जब होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ए टू का पावर एन माइनस 1 होगा।
तो मैं क्या कर रहा हूँ, सपोज करो करना आपको इसी मेथड से T1, आपको जो मैंने जनरल मेथड बताया था इस तरीके से, अब मान लो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है, ठीक है, तो 2 को मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ 1 से, 2 को मैं क्या कर रहा हूँ डिवाइड कर, सॉरी 1 को डिवाइड कर रहा हूँ 2 से, 1 को डिवाइड कर रहा हूँ मैं 2 से, तो T1 by T2 क्या हो जाएगा, T1 by T2 बराबर हो जाएगा A2 by A1 का पावर n माइनस 1, A2 by A1 का पावर n माइनस 1, आप इसको इक्वल टू साइन भी दे सकते हो, आप ये फॉर्मूले से आप डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो, T1 by 2 टाइम दिया हुआ, 2 इनिशियल दिया हुआ, यहां से क्या कर सकते हैं ऑर्डर निकाल सकते हैं, समझ में आई बात सबको, ठीक है, तो यहां तक अच्छे से क्लियर हुआ, ठीक है, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं फिर इस टॉपिक को हम खत्म करते हैं अच्छे से। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको अप्लाई कैसे करना है ये भी मैं आपको सिखा दे रहा हूं, चलो ठीक है, सपोज करो अगर ये ग्राफ ऐसा दिया हुआ है कि सपोज करो t हाफ दिया हुआ आपको और 1 बाय a नॉट क्यूब दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको ग्राफ दिया, बोल रहा है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालना है, क्या निकाला जा सकता है, बिल्कुल निकाला जा सकता है, मुझे पता है t हाफ जो होता है वो a नॉट का पावर n माइनस 1 के बराबर होता है, इसका मतलब यहां पे n माइनस 1 किसके बराबर है, ठीक है, बराबर, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है, कोई नहीं, चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं फिर टॉपिक फिनिश करते हैं अपना, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन, फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन हाफ लाइफ टाइम इज हाफ, हाफ लाइफ टाइम इज हाफ, हाफ लाइफ टाइम इज हाफ व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, व्हेन concentration of reactant becomes 1/4 becomes 1/4 if for a particular half life time is half when concentration of the reactant is 1/4 determine order of reaction, determine order of reaction, देखो हो सकता है या तो आपको tabular form में दे या आपको हो सकता है आपको initial form में दे, ठीक है, जब t हाफ था, t1 था, t हाफ इनिशियली फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में t हाफ जब t1 था तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था a नॉट का पावर n माइनस 1 के, ठीक है, जब मेरा टाइम t2 हुआ, t2 अब कितना टाइम हुआ कि जब मेरा कंसंट्रेशन उसने कितना कर दिया a नॉट बाय 4 कंसंट्रेशन कर दिया, तो हाफ लाइफ मेरा किसके बराबर हो गया, हाफ लाइफ जो मेरा बराबर हो गया वो t1 बाय इसके हाफ हो गया, हाफ लाइफ is half when concentration of 1/4, ठीक है, अगेन दो चीज आपके पास है, निकाल लीजिए, तो डिवाइड कर देता हूं मैं t1 by 2, t1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और 1/a0/4/a0 का पावर n माइनस 1, दिस कैंसिल, आई बात समझ में, इसका मतलब 2 का पावर 2 is equal to क्या हो जाएगा 2 का पावर ये ऊपर चला जाएगा 2n-1, तो यहां से जब आप n कैलकुलेट करो तो n की वैल्यू हाफ आएगी, ठीक है, तो ये क्वेश्चन सेम इसी मेथड इसी फार्मूला पे मैंने पुट कर दिया डायरेक्ट आंसर निकाल दिया, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, हाफ लाइफ जब दिया हो तो हम कैसे करते हैं, तो 2 कंसंट्रेशन का पावर n-1 कर देते हैं और कुछ करना नहीं रहता, ठीक है, तो यहां से हमारा x ऑर्डर पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, हाँ, इसके बाद मैं सेकंड लेक्चर और डालूंगा जेई एडवांस के लिए, वो नीट के लिए नहीं होगा, ठीक है, तो जो जेई एडवांस वालेंगे इसके बाद आपको तुरंत एक और लेक्चर देखना है, ठीक है, वो लेक्चर आज ही आपको फिनिश करना है और उसके बाद क्यों कल परसों से मोस्ट प्रोबेबली हमारा जो चालू होगा वो चालू होगा हमारा टेम्परेचर का इफेक्ट, अब तक हमने इफेक्ट किसका देखा था, कंसंट्रेशन का इफेक्ट देखा था, राइट, कंसंट्रेशन इफेक्ट किसको कौन डिसाइड करता, ऑर्डर डिसाइड करता, आखिर तभी तो रेट ऑफ द रिएक्शन किसके पर डिपेंड करता है, कॉम्प्लिकेशन मेथड जो ऑर्डर रहता है तभी ऑर्डर से मुझे पता चलता है आखिर रेट ऑफ द रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे कैसे डिपेंड करता है, तो ये जो पार्ट इफेक्ट का था हमारा सेकंड पार्ट कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट वो खत्म हो चुका है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर चालू होगा और ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा नीट वालों के लिए, जेई वालों के लिए अभी एक और टॉपिक है जो 1.5 घंटे का टॉपिक है वो आपको अभी कंप्लीट करना है जेई एडवांस वाले, ठीक है, सो आज के लिए हमारा इतना काफी है और आपका 6-7 लेक्चर में आपका केमिकल काइनेटिक्स खत्म हो जाएगा, तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू वेरी मच।